हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबका स्वागत है प्रियंका किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ खीर। तो कैसे खीर बनाते हैं गांव में, तो उसी तरह मैं आप लोग को सिंपल तरीके से बताऊंगी, जिसे सब लोग गांव पे बनाते हैं। सब लोग गांव पे सील पे पीस के बनाते हैं, तो मैं मिक्स जार में डाल के पीस के बनाऊँगी। तो बोलने में गलती हो जाती होगी, तो आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। मैं गांव से ही हूँ, तो उसी तरह मैं आप लोग को बनाऊंगी सिंपल तरीके से, ताकि सब लोग बना लें। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चावल ली थी, पहले से भिगो के रख दी थी, अच्छे से फूल गया है। मैं इसको अच्छे से साफ़ कर ली हूँ, जार में डाल के पीस लूँगी। और अगर आप लोग को ज़्यादा बनाना है तो ज़्यादा ले लीजिए चावल। मैं आधा किलो दूध में डाल के बनाऊँगी। अगर आप लोग चावल पीस के दूध में डालते हैं तो कहीं जगी जगी रह जाता है गुठली की तरह, तो अच्छे से चलाने पे भी नहीं वो होता है। तो आप लोग चीनी डाल के इसमें पीस लीजिए। मैंने आधा किलो दूध ली हूँ, तो हिसाब से इतना मीठा ठीक है। मैंने चावल और चीनी को एक साथ पीस ली, और यहाँ पे मेरा दूध गर्म हो रहा है, पहले से ही रख दी थी गर्म होने के लिए। और मेरे दूध में मलाई ज़्यादा है, आप लोग देख सकते हैं, सब किनारे किनारे लगा है। तो जैसे ही खलने लगेगा तो मैं अपना चावल जो चीनी साथ पीसी हूँ, मैं इसमें डाल के चलाती रहूँगी, तो अच्छे से पक जाएगा और वो जो गुठली गुठली की तरफ बन जाता है वो नहीं बनेगा। तो मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, सब लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं गांव में भी। अब इसमें मैं डाल दी, अब अच्छे से चलाती रहूँगी। आप लोग देख सकते हैं मलाई की वजह से मेरा ये जो दूध है एकदम गाढ़ा हो गया है, और कितना टेस्टी लगेगा। अगर आप लोग मलाई में नहीं बनाना चाहते हैं तो ना बनाएं, बस दूध से बनाएं। मेरे पास पहले से इसमें मलाई था, तो मैं उसी में बना दी। और आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए कितने अच्छे से, कोई गुठली नहीं पड़ा है। चावल जो जगी जगी गुलिया जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो वो मेरे खीर में नहीं है। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, अभी पकेगा, पक जाएगा तो मैं इसमें काजू बादाम और छोटी इलायची इसमें डालूंगी। तो कुछ देर के लिए मैं इसको धीमे आंच पे ढक के पका लूंगी 5 मिनट, तो मैं आप लोग को आगे का दिखाती हूँ। तो आप लोग वीडियो देख के जाइएगा, लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को देखा करिए, ताकि मैं और अच्छे अच्छे से वीडियो आप लोग को बना के शेयर करूँ, दिखाऊँ। और मैं यहाँ पे काजू ली हूँ, यहाँ पे छोटी लाठी इलायची कूट ली हूँ, और काजू को भी छोटे छोटे टुकड़े में कर ली हूँ। तो मैं अब इसको डाल दूँगी खीर के अंदर। मैंने बादाम नहीं डाली हूँ, आप लोग के पास है तो डाल दीजिए। आप लोग देख सकते हैं कितना मस्त बना है, टेस्टी टेस्टी खीर। आ जाइए आप लोग खाने, ये देखिए। तो मेरा खीर है बनके तैयार। तो यहाँ पे मेरा खीर बन गया है, मैं प्लेट में निकाल ली हूँ।
आप लोग पूरी के सादे पूरी के साथ खाइए, दाल पूरी के साथ खाइए, पराठे के साथ अच्छा लगता है। तो मेरे सिंपल तरीके से खीर बन गया है गांव के जैसे।